अगली खबर शहडोल से मिल रही है, जहां यातायात विभाग के कमरे में एक भिखारी का शव मिला है। मौके पर एसडीओपी समेत पुलिस बल मौजूद है। पुलिस ने हत्या की आशंका जताई है। आपको बता दें, लंबे समय से इसी परिसर में भिखारी रहता था। रात में बुढ़ार थाना इलाके के अमलाई चौक की ये पूरी ही घटना है। तो शहडोल से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां यातायात विभाग के कमरे में एक भिखारी का शव मिला है। पुलिस ने वही हत्या की आशंका जताई है। आपको बता दें, लंबे समय से इस परिसर में रात में भिखारी रहता था, रात गुजारता था, और बुढ़ार थाना इलाके के अमलाई चौक की ये पूरी ही घटना है। मौके पर पुलिस बल भी मौजूद है। तो भिखारी का शव मिलने से सनसनी फैली है। यातायात विभाग के कमरे में भिखारी का शव मिला है। शहडोल से आपको खबर बता रहे हैं, पुलिस ने हत्या की आशंका जताई है। आपको बता दें, लंबे समय से भिखारी जो है इस परिसर में रात में रुकता था, लेकिन अचानक उसकी मौत हुई है। तो शहडोल से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां भिखारी का शव मिला है यातायात विभाग के कमरे में। मौके पर एसडीओपी समेत पुलिस बल मौजूद है। पुलिस ने हत्या की आशंका जताई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मोहम्मद मुनीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद, बताएं कि ये जो भिखारी का जो शव मिला है, क्या कुछ इसमें सामने आ पाया, किस कारणों से इसकी मौत हुई है? मैं आपको बता दूं कि ये भिखारी जो है, ये अमलाई चौक एक जगह है, यहाँ पे जो है जी, ये डेली की तरह जो है बीती रात को भी यहाँ पे था, दिखाई दिया। अलग अलग लोगों ने बताया यहाँ पे कि ये भिखारी जो है भीख मांगता था, इससे अपना जीवन यापन करता था। लेकिन ये इसकी हत्या या इसकी जो खून से लथपथ लाश मिली है, इसमें संशय अलग अलग लगाया जा रहे हैं। ये परिसर में रहता था, हालांकि इसकी तफ्तीश करने के लिए एसडीओपी और पुलिस वगैरह पहुंच चुके हैं यहाँ पे, लेकिन अभी इसकी पड़ताल पूरी तरह से पूरी नहीं हुई है। जी, बहुत शुक्रिया मुनीर हमसे जुड़ने के लिए। आप खबर पर नजर बनाए रखिए। तो शहडोल से आपको खबर बता रहे हैं, जहां यातायात विभाग के कमरे में भिखारी का शव मिला है। पुलिस ने हत्या की आशंका जताई है। मौके पर भारी पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया है। आपको बता दें, लंबे समय से इसी परिसर में भिखारी जो है वो रहता था।